अभी हम इस वीडियो में सबस्टेशन क्या है, उसका क्या टाइप है वो देखेंगे। तो ये नेम ही सजेस्ट करता है सबस्टेशन। मैंने मेरा जो पुराना वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी डायग्राम और पावर सप्लाई डायग्राम है, उसमें मैंने समझा है कि मेन अपना स्टेशनों का पावर प्लांट और उसके नीचे जितने भी हम स्टेप अप या स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर करते हैं वो पर्टिकुलर सबस्टेशन में करते हैं। तो सबस्टेशन क्या है कि मेन स्टेशन के जितने लोअर जितने भी सबस्टेशन होंगे, जितने भी स्टेशन होंगे उसको हम सबस्टेशन बोलेंगे। उसके अंदर हम जनरली क्या करते हैं, वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं और उसके अंदर लाइन को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने की फैसिलिटी रहती है। आपको इस वीडियो के एंड में आपको मैं इमेज भी दिखाऊंगा तो आपको वो बेटर समझ में आ जाएगा। अभी जो सबस्टेशन होंगे वो दो टाइप के होते हैं, एक इंडोर होता है एक आउटडोर होता है। मैंने सबस्टेशन के बारे में बताया, दो ही काम है, वोल्टेज को अप डाउन करना और लाइन को मेक और ब्रेक करना। अभी जो इंडोर होगा वो उतना डेंजरस नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो वोल्टेज होता है वो पर्टिकुलर पैनल के अंदर रहता है, जो कंडक्टर होता है, जो लाइव पार्ट होता है वो पैनल के अंदर रहता है, तो उतना वो डेंजरस नहीं है। लेकिन जो हाई वोल्ट आउटडोर होता है सबस्टेशन, वो ज़्यादा ही डेंजरस है क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज है वो ओपन एयर में होते हैं। यहाँ पे पैनल के अंदर है कंडक्टर, लाइव कंडक्टर, यहाँ पे वो एक्चुअली एयर में होते हैं। ओके, पर्टिकुलर हाइट पे वो रहते हैं और ओपन टू एटमोसफियर होता है, तो यहाँ पे वो ज़्यादा डेंजरस है। जैसे यहाँ पे लाइन है और नीचे बंदा है तो ये थोड़ा ज़्यादा डेंजरस है। फिर दूसरा क्या कि इंडोर सबस्टेशन होगा उसको आपको मैक्सिमम वोल्टेज उसका आपको दिखाई देगा 33 केवी या 66 केवी। अभी जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 66 केवी, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो बहुत ही हाई होता है, 400 केवी रहता है। आउटडोर सबस्टेशन का जो लाइन होगा उसका वोल्टेज 400 केवी, 765 केवी और अभी तो 1200 केवी का भी टेस्टिंग चल रहा है। ओके, तो आउटडोर सबस्टेशन है वो ज़्यादा डेंजरस है। बहुत कम लोग होते हैं जिसको आउटडोर सबस्टेशन का एक्सपीरियंस होता है क्योंकि बहुत कम लोग काम करना चाहते हैं और यहाँ पे कोई म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होता है। लेकिन आउटडोर सबस्टेशन में आपको म्यूचुअल इंडक्शन का फंडा रहेगा, मतलब कि यहाँ पे तो पैनल के अंदर है तो, और बीच में एक्चुअली कंपार्टमेंट रहते हैं, तो यहाँ पे लाइव कंडक्टर है, यहाँ पे ये लाइव कंडक्टर है, तो बीच में कंपार्टमेंट होगा, तो उतना दिक्कत नहीं होता काम करने में कि अगर ये आपने ये लाइन डिस्कनेक्ट कर दी और ये लाइन चार्ज है तो इसके वजह से यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू आपको करंट प्रोड्यूस होगा वो। ओके, तो इंडोर सबस्टेशन में कोई म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होता और आउटडोर में म्यूचुअल इंडक्शन रहता है। अभी आपको मैं इंडोर जो सबस्टेशन है उसका आपको इमेज अभी स्क्रीन में आएंगी, आप देख सकते हो उस इमेज को। इंडोर जो सबस्टेशन होता है वो कैसे होता है उसका इमेज आप देख पा रहे होंगे। आउटडोर है उसका आपको गूगल करना पड़ेगा तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा आउटडोर सबस्टेशन। और आप अगर रास्ते में भी जाओगे तो आपको सबस्टेशन दिखाई देगा तो वो आउटडोर सबस्टेशन ही है। आई होप कि आपको इंडोर सबस्टेशन है उसका आइडिया आ गया होगा इमेज देख के, और सबस्टेशन क्या है, उसके क्या टाइप है। मैंने सिर्फ आउटडोर सबस्टेशन ही देखा था, मैंने जब इंडोर सबस्टेशन देखा तब मैं पर्टिकुलर शॉक हो गया था कि मुझे पता ही नहीं था कि इंडोर सबस्टेशन भी होता है जो बिल्डिंग के अंदर रहता है, जो अभी आपने इमेज देखी। मैंने सिर्फ आउटडोर सबस्टेशन ही देखा था तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।